सो गाइस फाइनली अब हम करने जा रहे हैं 5x5 का फेज वन यानी बिगनर वर्कआउट। जो इसका फेज टू है वो इंटरमीडिएट वर्कआउट है, फेज थ्री है एडवांस वर्कआउट। जो फेज वन वर्कआउट है वो हम करेंगे 3 days ऑल्टरनेट डेज अ वीक, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर सकते हैं, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, आप जैसे भी आप चाहें। टोटल 60-90 days यानी 2-3 महीने का ये पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट एम है प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जब तक आप 60-90 days का प्रॉपर 5x5 प्रोग्राम करेंगे एज अ बिगनर, ऑटोमेटिकली 2-3 महीने में आपकी प्रोग्रेशन बहुत अच्छी होगी, तब आप इंटरमीडिएट में स्टेप कर सकते हैं। जो टोटल रेस्ट होगा जैसे मैंने बताया, बिकॉज इट इज अ टफ वर्कआउट, दैट विल बी 3-5 minutes बिटवीन द सेट्स। इट कैन बी 2-5 minutes ऑल्सो, डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और कितनी रिकवरी है, लेकिन जनरली 2-5 minutes का जो रेस्ट है वो बिगनर्स के केस में चाहिए होगा, स्पेशली जो लास्ट के जो 3 sets हैं उनमें, जहां पर आप 100% 5 rep मैक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि 5x5 प्रोग्राम शुरू से, चाहे वो ब्रेकपाक का हो या आने वाले टाइम में किसी और ने दिया हो, हमेशा बेसिक्स के ऊपर फोकस करता है। तो जो बिगनर्स का है वो टॉप 3 lifts के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बारबल स्क्वाट्स, जिसके आप 5x5 करेंगे यानी 5 sets 5 reps, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह से। नेक्स्ट इज बेंच प्रेस, आप बारबल या डंबल कैसे भी कर सकते हैं, अगेन 5 sets of 5 reps। थर्ड इज डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, आप सुमो डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं, अगेन 5x5। और लास्ट इज हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें आप 3 sets करेंगे 10 repetition, अगर हो सके तो आप इसको वेटेड भी करेंगे, यानी प्लेट वगैरह डंबल लेकर भी आप हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। सो गाइज ये था रेक पार्क का 5x5 प्रोग्राम का फेज वन यानी बिगिनर्स जो फेज है। अब हम इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। सो गाइज आप लोगों ने अभी होपफुली 5x5 का सारा कंसेप्ट समझ लिया है कि कैसे हैवी लिफ्ट करना है, कैसे प्रोग्रेशन करनी है। अगर नहीं समझा है तो दोबारा एक बार जाके देखिए। जो पहली एक्सरसाइज हम नोवेस यानी बेसिक 5x5 वर्कआउट में कर रहे हैं, जिसमें हम फेज वन की बात करते हैं बेसिक्स में, वो 3 movements हैं प्राइमरीली। जो कन्वेंशनल मूवमेंट्स हैं वो हैं बारबल स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, और 4th movement है हाइपर एक्सटेंशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कन्वेंशनल बारबल स्क्वाट से। प्लीज अंडरस्टैंड, इनमें किसी भी मूवमेंट में मैं फुल हैवी नहीं जाऊंगा, मेरे को अपना 5x5 डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, मुझे आपको मेन मूवमेंट दिखानी है कि मूवमेंट कैसे। सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं कन्वेंशनल स्क्वाट या बारबल स्क्वाट। मैं पावर केज में कर रहा हूं, मैं मूवमेंट आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। वेट्स आप अपने हिसाब से लगाइए जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है। तो मैं पावर केज में खड़ा हूं। जो बारबल सेट होता है जैसे मैंने बताया था, वो हमेशा इस हाइट पर होगा कि अगर आप बारबल के नीचे जाएं तो, जैसे मैं बारबल के नीचे गया एंड आई लिफ्ट अप स्ट्रेट। अब ये इसलिए इतना गैप होता है क्योंकि अगर बाय चांस आप लिफ्ट करके फेल हो रहे हैं तो व्हेन यू फॉल आगे तो आप सीधा स्लाइड डाउन कर जाए। कई लोग क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो सेटिंग है इसको बहुत ऊपर लगाते हैं, डोंट डू इट, ठीक है। आपकी स्क्वाट की जो पोजीशन है या बारबल की जो आपकी पोजीशन है वो उतनी रहेगी कि आप प्रॉपर लिफ्ट कर पाए, एंड इन केस ऑफ सेफ्टी यू कैन फॉल बैक। अब मैंने बारबल रखा है, इट इज एक्चुअली जस्ट हल्का सा बिलो माय शोल्डर, इतना आपकी हाइट रहेगी। आई गो डाउन, कुछ नहीं करना है, कोई स्टूपिड मूवमेंट नहीं है। आप अगर लो बार करते हैं आप लो बार कर सकते हैं, मैं हाई बार स्क्वाट करता हूं, टोटली अप टू यू। ओके, मैंने शोल्डर पे जितना डिस्टेंस लिया, ओपन्ड अप, सिर्फ 1 step, दैट्स इट, फिनिश। इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, 30 degree अपार्ट मेरे टोज, शोल्डर पे जितना मैंने ओपन करा हुआ अपना स्टैंस, एंड आई गो डाउन हिप से पैरेलल से नीचे एंड अप। ये मैं आपको स्लो दिखा रहा हूं लेकिन ऐसे मूवमेंट नहीं करना है, कंट्रोल डाउन पैरेलल से नीचे एक्सप्लोड अप, कंट्रोल डाउन एक्सप्लोड अप एंड वापस डाउन। सिंपल मूवमेंट, कोई इसमें एग्जैजरेटेड मूवमेंट नहीं है, कोई इधर उधर की मूवमेंट नहीं है। So this was your basic barbell squat. Guys, जो सेकंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 5x5 में वो है कन्वेंशनल बेंच प्रेस। अब जैसे मैंने आपको बताया सारी मूवमेंट्स के ऊपर सेपरेट बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनेंगी जिसमें उसकी पूरी बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन होगी, लेकिन इसमें मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं जैसे कन्वेंशनल बेंच प्रेस कोई भी इंसान करता है या उसे करना चाहिए। ओके, अब मैंने फ्लैट बेंच प्रेस चूज किया नॉर्मल एंड आई लाई डाउन। गाइज अगेन आपके पैर पीछे की तरफ, प्रॉपरली पोजिशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कई बार क्या होता है लोग बहुत पीछे करते हैं और यहां पे क्रैम्प्स आते हैं बिकॉज इतनी हिप मोबिलिटी लोगों की नहीं होती है। ये कोई मूवमेंट नहीं है, इसको पीछे लेकिन प्रॉपर पोजीशन ऑन द ग्राउंड ताकि आप ग्राउंड से पुश ले सके। एंड
बैक में एक आर्टिफिशियल कर्व, ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, ठीक है, चेस्ट अप बैक अंदर, एंड मैंने बेंच प्रेस की ग्रिप ली, बेंच स्ट्रेट अप, चेस्ट अप रहेगा, स्लो डाउन टुवर्ड्स द निपल्स, प्रेस अप, स्लो डाउन टुवर्ड्स द निपल, प्रेस अप, बैक एंड डाउन। बेंच प्रेस में जैसे मैंने बताया बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, लेकिन वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, बेसिक मूवमेंट थी। और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये थी सेकंड एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं फॉर 5x5 वर्कआउट फॉर फेज वन। सो गाइज अब हम करने जा रहे हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। ये मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक्स है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें इसकी बायोमैकेनिक्स और टेक्निकलिटीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम एक सिंपल मूवमेंट देख रहे हैं कि हमें बेसिक बारबेल डेडलिफ्ट कैसे करनी है। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अप टू यू। मैं आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट दिखा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक तरीके से दिखा रहा हूं कैसे करना। एक नॉर्मल बार है, मैंने इसमें वेट लगाया हुआ है। अब मैं बार के बिल्कुल अंडर चला के जो मेरा फुट विड्थ है या जो स्टैंस है वो शोल्डर स्टैंस है, यानी नॉर्मल स्टैंस है, उतना ही मैंने पैर खोला है, फीट 30 डिग्री अपार्ट, और जो मेरी टोज है वो बार से आगे आने, यानी मेरा जो बार है वो वर्चुअली मेरे शिन को टच कर रहा है, इतना पास आपके बार रहेगा। सो योर बार इज ऑलमोस्ट टचिंग द शिन। अब जो डेडलिफ्ट में हम मूवमेंट करते हैं वो स्क्वाट नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। दिस इज नॉट अ डेडलिफ्ट, दिस इज अ स्क्वाट मूवमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। डेडलिफ्ट इज अ हिंज पोजीशन, दिस इज डेडलिफ्ट, सी दिस इज डेडलिफ्ट एंड दिस इज स्क्वाट। इसमें आप डेडलिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें डेडलिफ्ट करेंगे, दिस इज हिंज पोजीशन। तो हिंज पोजीशन में क्या करना है, जस्ट कीप ऑन टेकिंग योर हिप बैक, बॉडी को आगे बेंड करते हुए नी बेंड, हिप बैक नी बेंड, हिप बैक नी बेंड, और यहां पे मैंने ग्रिप ली। जो मेरी ग्रिप है हाथों की वो मेरे लेग्स को आउटर साइड से जस्ट टच कर रही है, ठीक है। आप मिक्स ग्रिप लेना चाहते हैं मिक्स ले सकते हैं, मैं इसमें को नॉर्मल ग्रिप लेता हूं, एंड जस्ट एक्सप्लोड अप इसको लिफ्ट करते हुए, एट द सेम टाइम बैक बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, बैक हमेशा सीधी रहेगी, स्ट्रेट। अब जब यहां पे आप खड़े होंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड हाइपर एक्सटेंड नहीं करना जैसे लोग करते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं है। चेस्ट अप रखना है, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड कंट्रोल तरीके से नीचे। डेडलिफ्ट में बार हमेशा नीचे टच होगा, रखा जाएगा और दोबारा स्टार्ट से उसे लिफ्ट करा जाएगा, तभी उसे कहते हैं डेडलिफ्ट, लिफ्टिंग अ डेड वेट। वेट को डेड किए बिना उसे डेडलिफ्ट नहीं कहेंगे। अगेन सेम वे, 1 2 एंड स्ट्रेट अप, कंट्रोल डाउन। पूरे टाइम में आप देखिए जो मेरी हिंज पोजीशन है वो वैसी की वैसी। सो गाइज ये था कन्वेंशनल बारबेल डेडलिफ्ट।